विपक्ष भले ही दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताता हो, कई दाग उनके राजनीतिक करियर पर लगाता हो, लोग ऐसा कहते हों, लेकिन वो राघवगढ़ के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए भी राजा साहब थे और उसी राघवगढ़ के लिए वो आज भी राजा साहब हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ सन 72 से जुड़ा हुआ, वो राजा दिग्विजय सिंह के घर वो काम करने को मिला जो आम आदमी संबंधित। राजा साहब की एक मेहरबानी है हमारे यहाँ, तो चाहे मोदी दे रहा हो चाहे कोई भी दे रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ तो राजा साहब है। भले ही कागजों में अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता हो, लेकिन राघोगढ़ के लिए वो राजा साहब हैं। राघोगढ़ में अलग अलग तरह के लोगों से उनके बारे में बातचीत की गई तो पता चलता है कि राजनीति से तर इस इलाके के लोग उन्हें चाहते हैं। फिर संघ से जुड़े हों, किसी और मजहब के हों, किसी और दल के हों, लेकिन दिल में सभी के लिए वो राजा साहब हैं। अतीत का एक पुराना किस्सा सुनिए। नहीं, जिस समय में नगर पालिका अध्यक्ष बना, माननीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक तो मुझे गुना का होने के नाते सबसे बड़ी ये सुविधा प्राप्त थी कि मुख्यमंत्री निवास में मैं सीधा प्रवेश करता था और गुना की अपनी समस्याएं लेके जाता था। उस समय हालात आर्थिक भी नगर पालिका परिषद गुना के अच्छे नहीं थे। इतने के बाद भी जब जब मैंने अड़के उनसे किसी बात की और किसी चीज के लिए धन की आवश्यकता बताई, तो प्रदेश की भी आर्थिक स्थिति कोई बहुत साउंड नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो गुना नाम पर, और चूंकि मेरे राघोगढ़ से संबंध भी है, मेरी माँ राघोगढ़ से थी, तो मुझे तो हमेशा उनने सहयोग किया और उनके कार्यकाल में मुझे काम करने में कहीं प्रशासनिक असुविधा भी नहीं है। तब के युवा आज के तजुर्बेकार बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी उनके कार्यकाल और उन्हें अपने तरीके से देखते हैं। ज्यादातर का मानना है कि उनकी उपलब्धियों की चर्चा आज कम होती है। यहाँ पर वर्षों पहले जनसंख्या गढ़ रहा है, समझे नहीं, हम लोगों ने 69 में यहाँ मजदूर संघ कायम की, मजदूर संघ के जरिए जो है हम बहुमत लेके आए। उस पीरियड में हमको एक संरक्षक की जरूरत थी, उस समय हम किले पे गए, राजा साहब को जो है राजनीति में उतारने की भरसक प्रयास किया, राजमाता साहब के आशीर्वाद से वो यहाँ पधारे और प्रथम बार 69 में नगर पालिका अध्यक्ष उनको बनाए गए। बाद उसके उन्होंने जो है प्रयास, अथक प्रयास किए गाँव के विकास को, प्रदेश के विकास के लिए, वहीं से सोच उनकी ऊँची थी, दूरदृष्टि वाले आदमी रहे ये, सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तिगत उनका तो जितना परिचय दूँ मैं उतना ही कम है। तब उन्होंने फिर 77 में हम लोगों से राय लेके मैं 77 चुनाव लड़ रहा हूँ। आदरणीय राज साहब जब मुख्यमंत्री बने तब उनकी सोच ये थी कि हर आदमी को काम मिले, हर परिवार सुखी रहे, इसलिए उन्होंने जो है पंचायतीकरण किया। और राघोगढ़ के विकास की बात की जाए तो राघोगढ़ को तो उन्होंने जमीन से उठा के आसमान पर रख दिया। इस राघोगढ़ में 8 सेंट्रल स्कूल है जो कि मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं हो गया, राघोगढ़ प्रॉपर में आपको मैं गिनाता हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सत्य साई स्कूल, सेंट्रल स्कूल, नवज्योति स्कूल, ये सारे स्कूल मतलब सेंट्रल स्कूल है। और गवर्नमेंट के स्कूल अलग है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, ITI अलग है, पॉलीटेक्निक अलग है और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलग है। किस चीज़ की कमी रखी दिग्विजय सिंह जी ने? और नौकरी के लिए भी जितने बच्चे पढ़े लिखे थे सबको नौकरियाँ दिलवाई उन्होंने। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि राजा साहब चाहने वालों से ज्यादा काम और चिंता विपक्ष की किया करते थे, क्योंकि हम तो उनके अपने ही थे। दो बार मुख्यमंत्री रहे और राज्यसभा आदि सभी नामांकन भरने का सौभाग्य मुझे मिला। उन जब वो मुख्यमंत्री बने तो गुना नहीं अपितु पूरे प्रदेश में एक बहुत अपनत्व की अनुभूति हुई, उनसे बहुत आशाएं थी, उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों की मदद करने वाला, पर्सनल लेवल पर जाकर मदद करने की उनकी जो क्षमता है उससे सभी अभिभूत थे। गुना में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आए, उनका जो स्वागत हुआ था ऐसा आज तक
अभूतपूर्व स्वागत कभी भी नहीं हुआ। उस समय सौभाग्य से कमलनाथ जी उनके साथ थे, हम सबको उनका स्वागत करने का बहुत गंभीर मौका मिला और उनकी जोड़ी आज तक निरंतर चली आ रही है, ये बहुत सौभाग्य की बात। मेरा तो ये मानना है कि हमेशा उन्होंने विपक्ष के लोगों का ज्यादा ख्याल रखा, पक्ष हम लोगों का ख्याल उतना ना रखा हो। उन्होंने विपक्ष के किसी भी आदमी का कभी कोई बुरा नहीं सोचा। जहाँ तक मुझे याद है, विक्रम वर्मा जी की बेटी की शादी में वह गेट पर एज ए पिता के रूप में खड़े हुए, और जहाँ तक अभी अभी जो और लोगों के भी हैं, चाहे सुंदरलाल पटवाजी हों चाहे कैलाश जोशी हों, मैंने हमेशा उनको उनके चरण छूते हुए और हमेशा उनका सम्मान करते हुए ही पाया। ऐसा नहीं है कि हर कोई दिग्विजय सिंह या उनके कार्यकाल की तारीफ ही करता हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विकास के दावों पर सवाल भी खड़े करते हैं। आप चल के देख लो पहले विकास, गड्ढा हो रहा है, आदमी गिर रहा है, कलंजा कर रहा है, कलंजा ही पड़े खुदे खुदा तक से गड्ढा है। 5-7-10 हजार रुपया ले रहा है इंजीनियर ले रहा है पैसा, तब भी कुटी नहीं आ रही। कुटी कौन की आ रही जिनके बिल्डिंग है भैया? आज पार्षद रोज से कोई कछु भी नहीं कर पाया अभी तक। 11 नंबर वार्ड में रहूंगे अबे तक भी, कूपन पड़ो 2011 को, अबे तक कोई कूपन की भी सुनी नहीं। जहाँ तो गाली और बखे आ गई समझ में, रात दिन चौराहे पर रहा, कोई सुने नहीं। राशन कार्ड तो नहीं बना रहा, राशन कार्ड तक नहीं है ब्रो। तो दादा दूसरे धर्म के लोग भी उनके काम के कायल हैं, उनकी सोच के भी। वो ये भी बताते हैं कि राघोगढ़ के राजा की व्यापक सोच उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग करती है। धर्म पालन करने में दिग्विजय सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। उनके यहाँ किले से नीचे आने तक 7 मंदिर हैं, और घर से निकलते ही सबसे पहला वो उन मंदिरों में जाते हैं। लेकिन कभी भी उनके दिलो दिमाग में धर्मांतर नहीं रहे। आज की जो सरकार है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं हैं जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में चालू की थी। इन लोगों ने उसके नाम भले ही बदल दिए। दिग्विजय सिंह सियासत के उन विरले किरदारों में से एक है जिनका किस्सा किसी कार्यकाल में नहीं समेटा जा सकता। ये सही है कि उनका दूसरा कार्यकाल सवालों और विवादों से घिरा रहा, लेकिन वो अभी भी देश और कांग्रेस में सियासत की धुरी को अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सियासत में वक्त बहुत तेजी से बदलता है और वक्त का पहिया उतनी ही तेजी से घूमता है। इसी तरह से घूम गया दिग्विजय की सियासत का पहिया, और अब एक नया युग आने को था। राजा साहब जाने वाले थे और राजा साहब की जगह साध्वी संत सत्ता पर काबिज होने वाली थीं।